G7 समिट से पीएम मोदी ने दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश की है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का बड़ा मंत्र दिया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी मोदी का समर्थन किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भी भारत का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्र का समर्थन किया है और बड़ा शानदार मंत्र दिया गया है। खास तौर पर कोरोना काल में इस वक्त पूरी दुनिया किस तरह से इस वायरस का सामना कर रही है और जो चुनौतियां इस वक्त पूरी दुनिया के सामने हैं उसको लेकर ये मंत्र और भी ज्यादा अहम हो जाता है, खास हो जाता है। और यही वजह है कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मुल्क न सिर्फ स्वागत कर रहे हैं बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए वन अर्थ वन हेल्थ के इस मंत्र का। इसका मतलब क्या है? G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान जब इस मंत्र का जिक्र किया तो उसका आशय था क्या? पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए एकजुटता का संदेश दिया है कि कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया के तमाम जो जिम्मेदार मुल्क हैं उनको एक हो जाने की जरूरत है। दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ यानी एक धरती एक स्वास्थ्य का ये बड़ा मंत्र हिंदुस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। मोदी ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीन मैनेजमेंट पर सभी देशों को जोर देना चाहिए और पीएम मोदी इससे पहले भी अपने कई संबोधनों में देश में इसका जिक्र कर चुके हैं। कोरोना वैक्सीन और तकनीक से पेटेंट हटाने पर साउथ अफ्रीका के प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया। भविष्य की जो महामारियां हैं उसे रोकने के लिए एक साथ सारे मुल्क आएं, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जोर दिया गया जिसका स्वागत किया G7 मुल्कों ने। इसके अलावा वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार पर सामूहिक प्रयासों के लिए भारत का समर्थन किया गया और इसको लेकर भी तमाम मुल्क साथ आते नजर आए। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने पीएम मोदी के मंत्र का जिक्र किया और इस तरह से समर्थन किया। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने की अपील भी की। तो आज की तारीख में जो दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के साथ हमारे संबंध हैं, जो हिंदुस्तान के संबंध हैं, जो हमारी विदेश नीति है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसे रंग लाती हुई नजर आ रही है और दुनिया के तमाम बड़े मुल्क आज भारत की हां में हां किस तरह से मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं समझ में आता है। हमारे साथ सज्जनहार साहब मौजूद हैं और सज्जनहार साहब इसलिए ये उम्मीद जगती है कि जो बड़ी कोशिशें जिनकी शुरुआत की गई है वो अमल में आएंगी बहुत जल्द। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मंत्र दिया है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे अभी समीप, जो वन अर्थ वन हेल्थ का जी, वो इसमें हमने देखा है जो इसका मूल है, इसके निहित है, वो ये है जो जब तक आखिरी आदमी औरत को टीका नहीं लग जाता, वैक्सीनेशन नहीं लग जाता, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। आखिरी आदमी को सुरक्षित होना पड़ेगा। नो वन इज सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। तो और अब हमने देखा है जितने भी वैक्सीन्स बने हैं समीर, वो ज्यादातर विकसित देशों में हैं। अविकसित देशों में जो विकासशील देश हैं उनमें नहीं जा रहे हैं। तो ये वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब है जो आपको सभी को अफोर्डेबल बनाना होगा, सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने होगी जो भी वैक्सीन होंगी या जो दवाएं होंगी। और इसके लिए जो भारत और साउथ अफ्रीका का ये जो प्रपोजल है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपको वेवर देना चाहिए एक लिमिटेड पीरियड के लिए, 3 साल के लिए, जिससे कि विकासशील देश जैसे भारत में तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, वैक्सीन जो बनती हैं पूरी दुनिया के लिए वो 65% भारत में बनती हैं। तो ये अगर वेवर हट जाता है तो भारत इन वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर पाएगा, दवाइयों को मैन्युफैक्चर कर पाएगा, जो कि पूरी दुनिया की जो विकासशील देश हैं या जो अविकसित देश हैं उनके पास पहुंच जाएगा। और अगर वो सुरक्षित हो जाएंगे तो पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी। और इसका बहुत ही सभी देशों ने, आपने बताया ऑस्ट्रेलिया ने, एंगेला मर्केल ने, जर्मनी ने, उन्होंने सभी ने स्वागत किया है, क्योंकि सभी ये लोग समझ रहे हैं जो जब तक अफ्रीका लैटिन अमेरिका, क्योंकि अभी तक हुआ है करीब 2 बिलियन वैक्सीन पूरी दुनिया में लगी है, परंतु इसमें से करीब 0.2% समीर केवल जो अविकसित देशों में गई है। तो इसीलिए उनके पास भी अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में,
एशिया की जो देश है जिनके पास इतनी वो सहूलियत नहीं है जी, जब तक वहां नहीं पहुंच पाती है, और उसमें भारत एक बहुत ही बड़ा रोल निभा सकता है। बिल्कुल, भारत एक बड़ा रोल निभाने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे साथ गफ्फारी साहब मौजूद है। गफ्फारी साहब, इन तमाम चीजों पर जब आप नजर डालते होंगे तो ये एहसास तो होता ही होगा कि चाहे आतंकवाद हो या महामारी हो या मानवाधिकार का मुद्दा हो, भारत समेत तमाम जिम्मेदार बड़े ताकतवर मुल्क एक साथ हैं और अलग थलग पड़े देशों का एक संगठन सा बन गया है ये पाकिस्तान, चीन और तुर्की वाला। चले शुक्र है, कोई हमें आपने बिल्कुल ये अकेला नहीं कर दिया। मैं सोच रहा था कि आप कहेंगे इंडिया के साथ तो सारी दुनिया और पाकिस्तान अलग थलग खड़ा हुआ है। शुक्र है खुदा का कि आपने दो मुल्क साथ बिछाए। अभी आपने देखा कि अजबकिस्तान के सदर भी पाकिस्तान आए हुए थे कुछ दिन पहले। खबरें आप तो माशाल्लाह बड़े आगाह रहते हैं। वो क्या बगैर तल के आए हुए थे, बगैर किसी लेन देन के आए हुए थे? अभी हमारा जो जब इसराइल का अंदर इसराइल ने जब शरणदेजी की तो वजीर खारजा गए हुए थे वहां पे, जो जिन जिन ममालिक के सर उनसे मिले वजीर खारजा से, क्या बगैर ताल्लुक के वो मिले थे? किसी वजह से नहीं मिले थे। आपने जब देखते हैं जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं हमारे वजीर आजम, वो कई ममालिक में जाते हैं और जब मिलते हैं जाके लोगों से तो वो बगैर किसी ताल्लुक के मिले थे। खुदा का नाम ले, आप अपने आप को अकेला ना करें। आप अपने आप को अकेला कर रहे हैं। आप इस तरह सोच रख के ना, आप कहेंगे इंडिया को एक अच्छी बात है, उसको सबने कहा कि अच्छा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सारे। अब नरेंद्र मोदी, ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरी है, ये दुनिया को बताइए ना कि चीन के खिलाफ एक लफ्ज मुंह से नहीं निकलता आपके। आप एक बात नहीं कहते कि ये पता लग जाए कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कहां था, कैसे था, कैसे ये वायरस दुनिया में आया, एक बात नहीं लगता आपको कि इसका पता लगना चाहिए? तो लग रहा है ना पता, जब लग जाएगा अच्छा तो सारी दुनिया कहेगी, हम भी कहेंगे जी बिल्कुल लबैक। आपका आपका जो आंखा है चीन वो छुपा रहा है और आपको पता लग रहा है? सारी दुनिया वो करेगी ना रिसर्च, आपका क्या ख्याल है कि मैं अगर पाकिस्तानी है तो या पाकिस्तान रिसर्च करेगा? हाँ। पाकिस्तान ने अगर करना होगी तो वो करेगा, जो दुनिया में WHO का काम ही यही है, जिसने पूरी दुनिया की हेल्थ देखनी है उसका ये काम है, उसको ये करने दीजिए। जब नतीजा परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।